गाइस, दिस इज तानिया शेख, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज़ कुकिंग शो। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी चॉकलेट मूस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए लिए हैं व्हिपिंग क्रीम पाउडर। ये प्रेमी कंपनी का है एंड इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवाया है। अगर आपको भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक दी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, अगर आपको वो भी देखना है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके पास जो भी व्हिपिंग क्रीम है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट उसे यूज़ करने से पहले हमें 30 मिनट्स के लिए फ्रीज करना है। तो हम पहले बना देते हैं व्हिप्ड क्रीम। उसके लिए हम लेंगे 1 टीस्पून व्हिपिंग क्रीम पाउडर, उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून पाउडर शुगर एंड हमें चाहिए यहाँ पर चॉकलेटी बिस्किट। मैंने यहाँ ओरियो बिस्किट लिया है। अगर आपके पास ओरियो नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेटी बिस्किट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ओरियो लें। अब एक मिक्सिंग जार में अपने बिस्किट्स को डालकर बिल्कुल अच्छी तरह से पाउडर बना लें। अब हमारे व्हिपिंग क्रीम पाउडर में हम ऐड कर देंगे बिल्कुल ठंडा दूध और फिर उसे बीट कर लेंगे। क्रीम की इतनी व्हिप्ड हो जाने के बाद उसे हम 30 मिनट के लिए फ्रीज करेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे एक मेल्टिंग चॉकलेट। मैंने यहाँ डेयरी मिल्क ली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं जो मेल्ट हो सके। और अब हम इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे और फिर माइक्रोवेव करने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। आपको इसे 30 सेकंड से ज़्यादा माइक्रोवेव नहीं करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, आप इसे बिना माइक्रोवेव के भी मेल्ट कर सकते हैं। एंड हमारी क्रीम को रखे 30 मिनट्स हो चुके हैं, इसे एक बार हम फिर थोड़ा सा व्हिप्ड कर लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल थिक सी। अब हम बनाते हैं फाइनली अपना मूस। उसके लिए मैंने ये छोटा सा ग्लास लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बड़ा सा बाउल या फिर कप कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटा सा ग्लास था तो मैं इसमें बना रही हूँ। हमने जो चॉकलेट ली थी उसमें हम थोड़ा सी व्हिप्ड क्रीम ऐड कर लेंगे, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस चॉकलेटी क्रीम को अपने ग्लास में डालेंगे। अब हम बिस्किट्स के लिए एक लेयर लगा लेंगे। और उसे किसी स्पून की मदद से इक्वल कर लेना है। व्हाइट क्रीम हमने लगाने के लिए यहाँ पर पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया है और यहाँ मैंने किसी भी शेप की नोज़ल ले लेना है आपको। अगर आपके पास पाइपिंग बैग और नोज़ल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप किसी भी प्लास्टिक की कोई कोन बना लें और फिर उसमें बिना नोज़ल के भी आप बना सकते हैं। उसमें क्रीम भरकर आप ऊपर से लेयर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग को एक ग्लास में रखा है एंड उसमें अब हम डाल देंगे अपनी क्रीम। और अब बिस्किट के ऊपर आप एक वाइट क्रीम की लेयर लगा लें। हमने क्रीम लगा ली, अब थोड़ी सी मेल्ट चॉकलेट इसके ऊपर हम डाल देंगे। थोड़ी सी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। और हमारे जो बिस्किट के पाउडर थे इसे भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है ऊपर से। आप इसे 1 से 2 घंटा फ्रीज करें फिर इसे सर्व कर सकते हैं। एंड हमारा मिनी चॉकलेट मूस टेस्टी सा यम्मी सा बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। सो ही गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम ट्राइंग टू पोस्ट न्यू वीडियो एवरी वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।